हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहां पर देख सकते हैं मैप फंक्शन को यूज किया है हमने। और ये मैप फंक्शन क्या काम करता है, तो ये कैलकुलेट करता है लेंथ को, किसी भी टपल के अंदर हर एक वर्ड की लेंथ को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे तीन ही तो शब्द लिखे गए हैं, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। तो अगर इसको हम चलाते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पे रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का लेंथ ये बता रहा है 5। अब क्यों 5 बता रहा है, जरा यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ है तो 5 बता रहा है। जो दूसरा है उसकी लेंथ कितना ये बता रहा है उसको भी देखिए, जरा दूसरे का लेंथ 6 बता रहा है, तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, दूसरे का लेंथ 6 है, तीसरे का लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो मैप फंक्शन की मदद से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं टपल के अंदर, ठीक है ना। अब समझने वाली बात यह है कि ये टपल में ही क्यों काउंट करता है। तो टप ऐसा नहीं है कि सिर्फ टपल में काउंट करेगा, देखिए यहाँ पे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट भी कराया गया। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट लिखा गया है और ये जो टपल है एक्स नाम से उसको लिस्ट में कन्वर्ट भी किया गया है।